हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीजा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे, क्या मैसेज या गाइडेंस है यूनिवर्स की साइड से। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। लेट्स सी मेष राशि के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की साइड से। हमारे पास आया है फाइव ऑफ कप्स, मैजिशियन एंड प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए, आई डू फील कि आपको बहुत जल्दी किसी चीज़ में कोई विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है। एंड हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में पहले आपने कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ थी जो आपने मिस कर दी थी, कुछ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है, किसी चीज़ का रिग्रेट हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आई एंड आपने उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं किया, तो वापस से आपको एक सेकेंड चांस मिलता हुआ दिख रहा है। एंड उस चीज़ में आप मैजिशियन बनते हुए दिख रहे हो। अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है सही तरीके से, वो चीज़ आप यहाँ पे डेफिनेटली करते हुए दिखाई दे रहे हो। और साथ साथ आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स आपकी काफ़ी स्ट्रांग हो रही है। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, रादर दैन डूइंग एनी रेमिडीज़ या बेलीफ रिचुअल या कुछ भी ऐसा, आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी विजुअलाइजेशन पे। ओके, जो मेडिटेशन होती है जिसमें हम विजुअलाइज करते हैं, that will help you to visualize success, your partner, anything that you want. All right, let's see वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। ओके, वृषभ राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे वेटिंग गेम दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप या तो किसी के मैसेज का वेट कर रहे हो, किसी के टेक्स्ट मैसेज का वेट कर रहे हो, प्रॉबेबली आप किसी को मिस भी कर रहे हो बिकॉज सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है। तो कैसे आप इस पर्सन के साथ जो आपने मेमरीज आप लोगों ने बनाई हैं, जो आपने शेयर किए मोमेंट्स इस पर्सन के साथ, हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कि कोई रोमांटिक कनेक्शन ही है, आपका कोई बहुत पुराना दोस्त हो सकता है, आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है। इट्स लाइक अ बॉन्ड जो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक बहुत स्पेशल बॉन्ड है इस पर्सन को लेके। आपके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर है, ओके, वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। एंड उस चीज़ को लेके आप काफ़ी इट्स लाइक आप वेट करते करते थक गए हो, या तो आप इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करते करते थक गए हो, या आप वेट करते करते थक गए हो, इज़ व्हाट आई फील। लेट्स सी जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव फोर ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव एट ऑफ पेंटिकल्स। आपके करियर में डेफिनेटली एक अच्छी स्टार्ट आती हुई दिख रही है, कहीं ना कहीं जो आपने हार्डवर्क किया है, या मुझे कुछ लोगों की ऐसी भी एनर्जी दिख रही है कि अब आपका एक्चुअल हार्डवर्क होना स्टार्ट होगा। एंड आप काफ़ी एंथुजियास्टिक दिख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हो इस जर्नी के लिए। मेरे को ऐसा लग रहा है कि या तो आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है, या आप कोलैबोरेशन में किसी के साथ कुछ करते हुए दिख रहे हो अपने करियर में, अपने बिजनेस में। एंड इफ़ नो, देन आपको डेफिनेटली करना चाहिए। दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप अपने पेंटिकल्स को, अपने मनी को डबल ट्रिपल कर सकते हो। किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करोगे, उस चीज़ में आपको बेनिफिट मिलेगा। और साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए जितना ज़्यादा आप अपने आप को लोगों के सामने दिखाओगे, जितना ज़्यादा आप स्पॉटलाइट में रहोगे, उतना ज़्यादा आपके करियर के लिए अच्छा होने वाला है। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। So we have 10 of swords, we have the judgment and we have princess of swords. तो कैंसेरियंस के लिए आई वुड से कि थोड़ी सी मुझे यहाँ पे स्टबनेस और एक रिजिडिटी वाली फीलिंग दिख रही है। हो सकता है कि आपको कहीं से कोई रिजेक्शन मिला है, या अगर आप कुछ करना चाह रहे थे वो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो। जैसे चीज़ों को आप प्लान आउट करना चाह रहे थे, जैसे चीज़ों को आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे, वो चीज़ शायद से नहीं हो पा रही, और ये चीज़ आपको थोड़ा डिसअपॉइंट कर सकती है। ओके, बट आपको साथ में ये भी बोला जा रहा है दैट यू हैव टू डील विद द एलिफेंट इन द रूम। कोई अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है तो आपको उस चीज़ के साथ डील तो करना ही पड़ेगा। ओके, बट द वे यू गोइंग टू डील इट इज़ नॉट इमेच्योरिटी, बिकॉज मुझे यहाँ पे थोड़ी इमेच्योर एनर्जी दिख रही है। मुझे थोड़ा सा एक ऐसा लग रहा है कि अच्छा, इसने मुझे ऐसा बोला तो मैं इसके साथ ऐसा कर दूंगी। बहुत बचकानी जो रिवेंज वाली जो एनर्जी होती है, मुझे यहाँ पे वो दिखाई दे रही है। ओके, लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है।
यानी कि सिंह राशि वालों के लिए, तो सिंह राशि वालों के लिए आई डू फील आप थोड़े से बर्डन में मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक आपका एक अच्छा फेज चल रहा था, आप अपने इमोशंस को काफ़ी बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे थे, जो लोग मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे अभी तक सब चीज़ें सही चल रही थी, बट एकदम से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ी अलोननेस वाली जो फीलिंग है वो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप अकेले हो, जो लोग सिंगल हैं उनको थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है कि यू नो थोड़ा अकेलापन, एक अलूफनेस फील हो सकती है, लोनलीनेस फील हो सकती है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा बर्डन दे सकती है नेक्स्ट 24 आवर्स में। इनफैक्ट जिन लोगों के पार्टनर भी हैं वहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा आइसोलेटेड फील हो सकता है अपने पार्टनर की साइड से इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। लेट्स सी वर्गो के लिए क्या मैसेज है, यानी कि कन्या राशि वालों के लिए। सो वी हैव द स्टार, द प्रिंस ऑफ वंड्स एंड वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर मैं बात करूँ वर्गों के लिए, मुझे एक स्टार की कहीं ना कहीं जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की है। आई डू फील दैट यू नो समथिंग इज़ सम मेजर इवेंट इज़ टेकिंग प्लेस, ठीक है। इट्स लाइक आप जिस चीज़ को लेके बहुत टाइम से प्रे कर रहे थे, आप जिस चीज़ को लेके बहुत टाइम से विश कर रहे थे, वो चीज़ आपकी, इट्स लाइक यूनिवर्स ने आपकी वो जो प्रेयर है वो आंसर कर दी है, ओके। आपकी जो प्रेयर है वो यूनिवर्स ने सुन ली है, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बिकॉज यू नो कि अब आपके पास वो चीज़ आ चुकी है, या यू नो यूनिवर्स ने आपकी प्रेयर्स जो हैं वो सुन ली हैं, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर चीज़ में लूज़ हो सकता है, ओके। ये तो इसी इन्हीं चीज़ों से हमें पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ हमारी ज़िद थी या फिर हम एक्चुअली में उस चीज़ को चाहते थे, ठीक है। चाहे आपका कोई गोल है, कोई पर्सन है, कोई आपकी करियर से रिलेटेड कुछ है, इट कैन बी एनीथिंग, बट इट्स लाइक कि आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। सो लिब्रा की अगर मैं बात करूँ, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 7 ऑफ कप्स। तो आई डू सी दैट यू नो एक डर है, एक डर के साथ बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, बहुत ओवर कैलकुलेशंस हो रही हैं। आप में से काफ़ी लोग बहुत डायरेक्शन लेस फील कर सकते हो, क्योंकि एक पॉइंट पे आपके पैसे हैं, एक पॉइंट पे आपकी मटेरियल लाइफ है, एक पॉइंट पे आपका करियर है, एक पॉइंट पे आपकी फैमिली लाइफ है, एक पॉइंट पे आपकी खुद की अपनी स्पेस है, एंड इस चीज़ को लेके आप बहुत कन्फ्यूज्ड हो सकते हो कि आपको कब क्या कैसे करना है। इट्स लाइक बहुत एंग्जाइटी में आ जाना, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाना, ठीक है। कुछ लोगों के अगर कोई एग्ज़ाम्स कुछ चल रहे हैं तो वहां पे आपको डेफिनेटली बोला जा रहा है कि कॉन्फिडेंस इज द की, जो भी करो कॉन्फिडेंस के साथ करो, बिल्कुल भी आपको वरी करने की नीड नहीं है, ओवरथिंक करने की नीड नहीं है, मेक श्योर यू आर हैविंग अ गुड स्लीप। काफी लोगों का मुझे यहाँ पे स्लीप पैटर्न भी खराब लग रहा है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है स्कॉर्पियो, यानी कि वृश्चिक राशि। सो स्कॉर्पियंस के लिए आई डू फील दैट यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग विद समवन, ठीक है। हो सकता है कि यू हैव आइज ऑन समवन और यू आर थिंकिंग अबाउट समवन, किसी के बारे में आप सोच रहे हो, बट डेफिनेटली इट सीम्स कि किसी पर्सन के साथ आप एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हो, बट आपका पास्ट हार्ट ब्रेक जो है, जो पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स हैं वो बीच में आ रही हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स, आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो इस रिलेशनशिप में आ सकते हैं, बट आपको मैसेज यही दिया जा रहा है कि आपको इस पास्ट हार्ट ब्रेक से निकलने की नीड है, सो दैट यू कैन हैव द सोलमेट कनेक्शन विद योर पर्सन। लेट्स सी हमारी दूसरी राशि जो कि है सैजिटेरियस। लेट्स सी सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। सो फॉर सैज यानी कि धनु राशि, आई डू हैव डेथ 3 ऑफ कप्स एंड वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो काफ़ी कम्युनिकेशन मुझे दिख रही है, प्रॉबेबली आप किसी के साथ कुछ कम्युनिकेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो, डायरेक्ट कम्युनिकेशन आ रही है, जो लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में थे वहाँ पे आपके पास एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन आती हुई दिख रही है। 3 ऑफ कप्स वाली एनर्जी भी है, किसी के साथ रीयूनियन वाली एनर्जी है, हो सकता है आप इस पर्सन के साथ कहीं हैंग आउट करो, यू नो एक दूसरे से काफ़ी बातें करो, क्योंकि आपको कुछ रियलाइज़ हो रहा है किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके,
या आपने किसी दोस्त को लेके उस चीज़ के अंदर आप एक चेंज लेके आना चाहते हो, उसमें आप एक ट्रांसफॉर्मेशन या एक डेथ लेके आना चाहते हो, डेथ एज इन ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट मारना या कुछ ऐसा. ओके, लेट्स सी मकर राशि के लिए क्या मैसेज है. सो वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द हाई प्रीस्टेस एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपकी मुझे काफ़ी इंटेलेक्चुअल एनर्जीज दिख रही हैं, काफ़ी आइडियाज़ आ सकते हैं, और ये ऐसे आइडियाज़ हैं जो आप इम्प्लीमेंट करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की साइड लेके जाएंगी, आपको लॉन्ग टर्म अबंडेंस की साइड लेके जाती हुई दिख रही है. अपनी इनहेरिटेंस से या फैमिली की साइड से आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है नेक्स्ट आई वुड से 48 to 72 hours में. कोई हेल्प मिल सकती है फैमिली की साइड से, या कोई गिफ्ट मिल सकता है, इनहेरिटेंस में कुछ मिलता हुआ दिख रहा है. ओके, काफ़ी लोगों का एंशंट विजडम जो है, जो लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअल हैं, आपका एंशंट विजडम इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है मुझे. ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कुंभ राशि. So we have 8 of cups, we have 2 of swords and we have 3 of wands. किसी भी टाइप की कन्फ्यूजन से आप वॉक अवे करते हुए दिख रहे हो. कुछ लोग मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप ऑलरेडी किसी चीज़ से मूव ऑन कर चुके हो, ऑलरेडी किसी चीज़ से वॉक अवे कर चुके हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक वहाँ पे कन्फ्यूजन है. कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो सकता है कि यू नो, मैंने वॉक अवे करके सही किया या नहीं, मैंने मूव ऑन करके सही किया या नहीं, तो वो चीज़ थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है, वो चीज़ आपको थोड़ा सा ओवर थिंकिंग वाले पैटर्न में डाल सकती है. बट हियर यूनिवर्स इज सेइंग कि अभी तक आपने जो भी किया है आपने सही किया है, यू आर ऑन द राइट पाथ. ओके, एंड आई वुड से कि यू नो, अभी यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि एकदम वेट एंड वॉच वाला एटीट्यूड आपको रखना है. डोंट थिंक मच अबाउट दिस सिचुएशन, जस्ट वेट एंड वॉच कि आगे क्या होता है. लेट्स सी मीन राशि को लेके क्या मैसेज है. ओके, मीन राशि वालों की अगर मैं बात करूं, सो वी हैव प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द टावर. तो मीन राशि वालों के लिए आई वुड से कुछ टावर मोमेंट आता हुआ दिख रहा है. हो सकता है किसी कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो के साथ अगर आप डील कर रहे हो तो वहाँ पे कुछ लड़ाई हो सकती है. कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि किसी रिलेशनशिप के बीच में कोई लव ट्रायंगल बनना. ओके, एंड कुछ लोगों के लिए लव ट्रायंगल, बहुत कम लोगों के लिए 1 or 2%, बट मेजॉरिटी जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो मुझे लग रहा है कि यू नो, दो फीमेल्स का कहीं ना कहीं एक इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो सकता है. अब वो ऐसा भी हो सकता है कि दो फ्रेंड्स हैं, वो ऐसा भी हो सकता है कि यू नो, इट इज़ योर पार्टनर एंड योर मॉम. तो इस टाइप की मुझे एनर्जी लग रही है, जिसकी वजह से बहुत क्वारल्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी डिस्प्यूट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कोई क्रिएट कर सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में. तो इस चीज़ को लेके मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा केयरफुल हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है किसी की कुछ गलत नज़र या यू नो, बहुत एनवियस फील करना, जेलसी वाली फीलिंग्स डालना, नेगेटिव एनर्जी डालना आपके और आपके पार्टनर के बीच में, उस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिख रही है. सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय, टेक केयर. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें.